जिला परिषद का या पंचायत समिति का सदस्य चुना जाए, वार्ड का पंच चुना जाए, विधायक चुना जाए, सांसद चुना जाए, जनप्रतिनिधि के अतिरिक्त उन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कोई सरकार बने, पंचायत समिति के सदस्यों के माध्यम से प्रधान बने, पंचायत समिति का गठन हो, जिला परिषद का गठन हो, राज्य की सरकार बने, देश की सरकार बने, जनता की अपेक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी अलग अलग तरह की अपेक्षाएं होती हैं और उन अपेक्षाओं में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाना स्वाभाविक। भगवान श्री कृष्ण ने निभाए का मायरा भरा था, उस मायरे में भी कुछ कमी रह गई, शायद हो सकता है कि कुछ कमी किसी जनप्रतिनिधि से रह जाए। सरपंच साहब जा रहे हो मोटरसाइकिल पर बैठ करके या गाड़ी में बैठ करके, और पंचायत का कोई वोटर मतदाता उनका व्यक्ति सड़क पर खड़ा हो, जाने अनजाने में अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं जाए, सामने से निकल जाए, तो वो नाराज हो सकता है कि सरपंच साहब जा रहे थे, मैं तावड़ा में हूं, हमारी हामी तो देखिए। एमएलए साहब को कोई शायद विधानसभा में बैठे होंगे टेलीफोन करे और टेलीफोन उन्होंने नहीं उठाया हो, सुबह टेलीफोन किया होगा, शाम को उठाया हो, कार्यकर्ता की नाराजगी हो सकती है, वोटर की नाराजगी हो सकती है, मुझे जोगेश्वर जी ने फोन करे, जोगेश्वर जी हाँ बड़ी नाराजगी इसके लिए भी हो सकती है कि हमने यह काम बताया था, यह काम सरकार और इनकी नहीं थी तो भी पूरा नहीं हो पाया, इसको लेकर के भी कोई छोटे मोटे विषय को लेकर के नाराजगी हो सकती है। सरकारों को लेकर के भी बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं होती है, सारी अपेक्षाएं शायद पूरी ना हो, उसको लेकर के छोटा मोटा रोष अगर कहीं है सरकार के विरुद्ध या किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि के विरुद्ध होना स्वाभाविक। लेकिन राजस्थान में पिछले 4 साल में इस चुनी हुई सरकार के विरुद्ध जिस तरह की रोष नहीं है, जिस तरह का गुस्सा लोगों के मन में, जिस तरह का आक्रोश लोगों के मन में, भारतीय जनता पार्टी ने उस आक्रोश को आवाज देकर के, उस आक्रोश को संकलित करके, इकट्ठा करके, इस जन आक्रोश को एक ज्वालामुखी के रूप में परिवर्तित करके, इस कांग्रेस के कुशासन को धमाके के साथ उड़ाने के लिए यह जन आक्रोश यात्राएं प्रारंभ की। करोड़ों लोगों से हमने चर्चा की, उनके आक्रोश को समझने की कोशिश की। आज राजस्थान में जिस तरह का शासन कांग्रेस का अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में चल रहा है, 4 साल से ज्यादा समय हुए चुनाव हुआ था राजस्थान के 2018 विधानसभा चुनाव में, एक बहुत छोटे से अंतर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई और कांग्रेस की सरकार आई। जो कुल राजस्थान में मतदान हुआ था उसका केवल 0.5%, 1,47,000 वोट, 3 करोड़ से ज्यादा लगभग वोट पड़े थे, उसमें से 1,47,000 मात्र कम वोट कम रह जाने के कारण से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। और वो जो 0.5% के कारण से जो चोट हुई, कुछ किसानों को बरगलाया गया था, किसानों को लालच दिया गया था कि हम आपका कर्जा माफ करेंगे, 10 दिन तक की गिनती गिन करके किसानों को भुलावे में लिया गया, युवाओं के साथ में भी इसी तरह के सब्जबाग दिखाए गए थे कि हम 3,500 रुपए प्रति माह भत्ता देंगे हर ग्रेजुएट को, माताओं बहनों को भी इसी तरह के सब्जबाग दिखाए गए थे, किसानों को कहा गया था कि हम बिजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे, और इस तरह से झूठ बोल करके कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी जी, जो अभी भारत जोड़ने के लिए चले हैं, राहुल गांधी जी से लेकर के सचिन पायलट तक, सचिन पायलट साहब से लेकर के अशोक गहलोत तक, और अशोक गहलोत से लेकर के और राजस्थान में हर छोटे बड़े नेता ने इस तरह के सब्जबाग दिखाए, राजस्थान की जनता को धोखा देकर के और राजस्थान की सत्ता उन्होंने हथियार, शायद कुछ कमी हम लोगों की भी रही होगी, भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ताओं की भी रही होगी कि राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में सरकार चल रही, उस सरकार ने जिस तरह से भारत सरकार की हर एक योजना को, क्योंकि उस समय डबल इंजन की सरकार थी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से जो योजनाएं प्रारंभ की गई थी, सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से जिस तरह के काम प्रारंभ किए गए थे, उनको धरातल पर उतारने में एक नंबर की सरकार अगर देश में कोई थी तो वो राजस्थान की सरकार थी। अपनी योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो भामाशाह योजना होगी, चाहे वो पालनहार योजना होगी, और उन सब योजनाओं के माध्यम से जिस तरह से सामान्य मानवी को संबल जो है संबल प्रदान करने का काम राजस्थान की सरकार ने किया था, शायद हम लोगों की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कहीं कमी होगी, चाहे हम मंच पर बैठे होंगे या मंच के सामने बैठे होंगे, कि हम अपना बात जो है ठीक से लोगों के दिल में ट्रांसलेट नहीं कर पाए और उसके चलते हुए सरकार हमारी नहीं बन पाए और कांग्रेस को सरकार में आने का मौका मिला। लेकिन ये जो कुछ नहीं हो पाया, गलती चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की रही होगी,
या राजस्थान के जनता ने धोखे में आकर के कांग्रेस को वोट दिया होगा। आज राजस्थान की करोड़ों जनता जो है वो खून के आंसू, पिछले चार साल से जो है वो खून के आंसू रो रही। उसका कारण है राजस्थान के की कांग्रेस पार्टी ने उस समय जिस तरह से सब्जबाग दिखाए थे, किसानों को साथ में जिस तरह का क्या आश्वासन दिए गए थे, आज राजस्थान का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। राजस्थान में अनेक किसानों ने पिछले दिनों में, पिछले इस चार साल में ऋण माफी न होने के चलते कर्जे के बोझ से जब उनकी जमीनें नीलाम हो रही थी, उस नीलामी के डर से और नीलामी के दबाव से मजबूरी में आत्महत्या करने का कदम उठाया। अनेक किसान ऐसे होंगे जिन्होंने सोशल मीडिया पर लाइव करके अपने आप को जो है फांसी के फंदे पर झूल जाना अब तक स्वीकार किया, क्योंकि वो सरकार के धोखे से अपने आप को आहत महसूस कर रहे। अनेक युवाओं के साथ में भी धोखा हुआ। मुझे याद आता है जब 2018 के चुनाव समाप्त हुए थे, रिजल्ट आ गया था, यह तय था कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, जनता ने आशीर्वाद दिया है, लेकिन सरकार बन नहीं पाई थी। अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट जी के बीच में झगड़ा चल रहा था, जयपुर और दिल्ली के बीच में हवाई जहाज जो है वो चिड़ी बल्ले में चिड़ी इधर से उधर जाती है, वैसे जा रही थी। मैं एक दिन अपने घर से बाहर निकला, जोधपुर में मेरे आवास के बिल्कुल सामने सड़क पर कॉर्नर पर बैंक है। बैंक के बाहर मुझे 8-10 बच्चे खड़े मिले, युवा साथी थे, मैं कुछ को पहचानता था। मैंने गाड़ी रुकवाई, मैंने पूछा भाई आज बैंक के सामने क्यों खड़े हो, तो उन्होंने कहा भाई साहब चुनाव में हमसे वादा किया था कि ग्रेजुएट को 3,500 भत्ता मिलेगा, हम अपना बैंक खाता खुलवाने के लिए आए। तो मैंने कहा भाई खुलवाओ, कोई जरूरत पड़े तो हमको भी बताना, अच्छा ही है कि अब तुमको मोबाइल रिचार्ज के लिए तो कम से कम घर वालों से पैसे नहीं मांगने पड़े। अपना फार्म भरने के लिए कहीं फार्म भरोगे उसके लिए घर वालों से पैसे नहीं मांगने पड़े, कहीं एग्जाम देने जाओगे, परीक्षा देने जाओगे, प्रतियोगी परीक्षा, तो उसका प्रबंध करने के लिए भी किराए के लिए अब घर वालों से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, माता पिता पर बोझ कम हो जाएगा। 3-4 महीने बाद में लोकसभा का चुनाव हुआ, जोधपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर के दिल्ली भेजा, माननीय मोदी जी ने उस आशीर्वाद पर मोहर लगा दी। थोड़े दिन बाद मैं जब वापस जोधपुर में आया, मैं सुबह सुबह घर से निकला, उसी बैंक के सामने उसमें से 5 साल वो पिछली बार 8-10 थे, 3-4 खड़े हुए मुझे मिल गए, बैंक खुलने का इंतजार कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा भाई आज तुम्हारे खाते में पैसे आ गए कि आज यहाँ कैसे इकट्ठे हुए हो, तो उन्होंने कहा भाई साहब खाते में पैसे तो नहीं आए, पर 500 रुपये जो खाता खुलवाने के लिए जमा कराए थे उसमें से 50 कट गए हैं, दगे 50 नहीं कटते हुए इन वास्ते हमारे पास पाछा लेवन आया। राजस्थान के युवाओं के साथ में धोखा अगर केवल इतना ही होता कि उनको 3,500 रुपये नहीं दिए होते, तो शायद राजस्थान के युवा और उनके परिजन उनको माफ कर देते। लेकिन जिस तरह से राजस्थान की सरकार की विफलता के चलते और राजस्थान की सरकार के संरक्षण में इस नकल माफिया ने काम किया, जितनी परीक्षाएं राजस्थान में अब तक हुई, 2018 में जूनियर इंजीनियर की परीक्षा हुई उसमें पेपर आउट हुआ, 2019 में जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा हुई उसमें पेपर आउट हुआ, 2018 में आरएएस की परीक्षा हुई उसमें पेपर आउट हुआ, 2021 में आरएएस की परीक्षा हुई उसमें पेपर आउट हुआ, पटवारी की परीक्षा हुई उसमें पेपर आउट हुआ, रीट की परीक्षा हुई उसमें पेपर आउट हुआ, और अब की बार तो आप ही के यहां से पेपर आउट पकड़ा गया, गाड़ी में बैठा करके नकल कर रहे, नकल बस नकल एक्सप्रेस चल रही, और जब नकल एक्सप्रेस के लोगों को पकड़ा है, रीट के समय में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में आंदोलन किया, पूरे प्रदेश में हमने आंदोलन किया था युवाओं को साथ लेकर के कि राजस्थान में ये जो नकल की श्रृंखला चल रही है सरकार के संरक्षण में चल रही है, सरकार जांच सीबीआई को सौंपे ताकि हम युवाओं के साथ में जिस तरह का खिलवाड़ हो रहा है हमारे भविष्य के उसको रोका जा सके। हमने आंदोलन किया लेकिन राजस्थान की सरकार ने उस आंदोलन को स्वीकार नहीं किया, हमारी मांग को स्वीकार नहीं किया, उल्टे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए, उनको जेलों में ठूस दिया गया, और अब की बार जब बस का नकल माफिया पकड़ा गया है, बस में काम करने वाला, तब उनसे पूछताछ में समाचार आए कि थानेदार की परीक्षा में हमने 1 करोड़ में पेपर खरीदा था, 80 लोगों को 10-10 लाख में पेपर बेचा था, और उसमें से 80 नकल से जो है वो थानेदार बन गया। जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा में 1 करोड़ में पेपर खरीदा था, 65 लोगों को हमने पेपर बेचा था, और उस 65 लोगों में से जो है सारे के सारे जूनियर अकाउंटेंट बन गए। आरएएस में भी हुई होगी, आरटीएस में भी हुई होगी, जितनी परीक्षाओं में इस तरह की धांधली हुई है, मैं आज इस जालौर के मंच से एक बात कहता हूं,
ये तय है। मैं दीवार पे लिखा हुआ पढ़ सकता हूं कि राजस्थान की जनता का जैसा आक्रोश है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ में बनने वाली है, कोई नहीं रोक सकता। प्रचंड बहुमत के साथ में बनने वाली है। और मैं आज इस मंच के ऊपर खड़े होकर के कह रहा हूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमने हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ में, जिन बच्चों को आप परिजन लोग किस तरह से अपना पेट काट करके पढ़ाते हो, किस तरह से वो पेट काट करके उनको जो है कोचिंग सेंटर में भेजते हो, किस तरह से वो रात रात भर जाग करके पढ़ाई करते हैं, उनके साथ में जो धोखा हुआ है हम इसको छोड़ेंगे नहीं। सीबीआई से जांच कराएंगे और ये जितने लोग फर्जीवाड़े से पीछे के दरवाजे से चाहे थानेदार बने होंगे, डिप्टी एसपी बने होंगे, मास्टर बने होंगे या हेडमास्टर बने होंगे, जो पीछे पिछले के दरवाजे से गए थे उनको दरवाजे के पीछे भेजने का काम करेंगे। मैं आज आपको भरोसे के साथ कहता हूं, क्योंकि जिस तरह का काम इन्होंने किया, एक एक गांव के 20-20 लोग कांस्टेबल भर्ती हो गए, क्योंकि कांस्टेबल भर्ती में पर्चा लीक हो गया, पर्चा लीक हो गया उसके चलते अनेक लोग थानेदार बन गए, अनेक लोग अधिकारी बन गए। जिस युवा ने रात भर जाग करके परिश्रम किया था उसके सपनों के आगे अंधेरा हम नहीं आने देंगे। हरियाणा में जिस तरह से बहुत सारे लोग परीक्षा में और भर्ती में घोटाले में बैठे हैं, कई कई साल से बैठे हैं, अपने यहां भी कई लोग जाने वाले, क्योंकि सामने बैठे। जब रीट की परीक्षा हुई, रीट में पेपर आउट हुआ, रीट के पेपर आउट में यही सुरेश बाबल, यही सुरेश नाम का आदमी, मैं आज पूछना चाहता हूं इस मंच पर खड़े होकर के, इस सुरेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, राजस्थान का मुखिया, राजस्थान का मुख्यमंत्री और राजस्थान का गृह मंत्री अशोक गहलोत इस बात का जवाब दे, राजस्थान की जनता को, राजस्थान के युवाओं को जवाब दे, उन युवाओं के माता पिता को इस बात का जवाब दे कि किसके दबाव में और क्यों करके आपने उसको उस दिन छोड़ा, किसके दबाव में छोड़ा गया था। वही जो जिसको आपने रीट में छोड़ा वो बाद में भारत जोड़ो में राहुल गांधी जी के साथ फोटो खिंचवाता है, वही सुरेश सचिन पायलट के साथ में फोटो खिंचवाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, फेसबुक पर जो है अपने फोटो छापता है और बाद में 6 महीने बाद में दूसरे एग्जाम में पर्चा बना नकल करवाते हुए पकड़ में आता है, दोषी सुरेश नहीं है, दोषी है अशोक गहलोत और अशोक गहलोत की सरकार है। इसका जन आक्रोश राजस्थान, राजस्थान के युवाओं के साथ में धोखा किया, राजस्थान की माताओं बहनों के साथ में धोखा किया। मैं इस जालौर की पवित्र धरती पर खड़ा हूं, अभी आदरणीय जोगेश्वर जी कह रहे थे, मैं जोधपुर का प्रतिनिधि हूं, जोधपुर के ऊपर जालौर का एहसान है। महाराज जसवंत सिंह जी के निधन के बाद में दुर्गादास को इस जालौर की पहाड़ियों ने शरण दी थी और 22 साल तक जो है दुर्गादास ने महाराज अजीत सिंह जी को शरण देकर के और मारवाड़ का राज वापस स्थापित किया। राजस्थान की पहचान किससे थी? राजस्थान की पहचान सतियों और सूरमाओं से थी। पग पग सूरा देवली, पग पग सतिया थान। राजस्थान के लिए इस तरह की कहावतें लिखी गई थी, राजस्थान के लिए इस तरह के दोहे लिखे गए। राजस्थान की पहचान रानी पद्मिनी के जौहर से थी, जिसमें सब समाज की 16,000 माताओं बहनों ने हंसते हंसते अग्नि स्नान किया था, क्योंकि अपनी शील की रक्षा, अपने सतीत्व की रक्षा करना चाहते थे। उस अग्नि स्नान में उस अग्नि की ज्वाला शायद कुछ दिनों में बाद जो है वो चिता की राख ठंडी हो गई होगी, लेकिन राजस्थान के रणबांकुरों के दिल में जो आग लगी थी, उस आग लगी हुई आग ने राजस्थान के लोगों को लड़ने की प्रेरणा दी। और आज मैं जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं कि राजस्थान के रणबांकुरों की भुजाओं की ताकत थी कि सर कटने के बाद में भी जो लड़ते रहे, उसके चलते हुए आज राजस्थान में ये सनातन धर्म और सनातन संस्कृति हिंदुस्तान में जिंदा है और हम सब लोग अपने नाम के आगे गर्व से कहते हैं हम हिंदू। राजस्थान की पहचान मीराबाई से थी, उसकी भजन भक्ति से थी, उसके भजनों से। राजस्थान की पहचान कर्माबाई से थी, राजस्थान की पहचान कर्माबाई से थी, जिसने भगवान को साक्षात आकर के उसका खींच खाना पड़ा। राजस्थान की पहचान नानी भाई के मायरे से थी, राजस्थान की पहचान पन्ना दाई से थी, राजस्थान की पहचान गोरा दाई से थी, जिन्होंने अपने बच्चे को देश के लिए, संत जो है राज्य के लिए, अपने स्वामी के लिए अपने बच्चे को हंसते हंसते कटवाना महसूस स्वीकार किया, उनसे राजस्थान की पहचान। आज दुर्भाग्य है कि उस राजस्थान की पहचान इस कांग्रेस की निकम्मी सरकार के चलते, इस कांग्रेस की सरकार की आपसी लड़ाई के चलते, गहलोत साहब और पायलट साहब की लड़ाई के चलते आज राजस्थान की पहचान पूरे देश भर में और दुनिया भर में बनी है कि राजस्थान बलात्कार की कैपिटल बन गया। देश में जो राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो देश के हर थाने में दर्ज होने वाले मुकदमे का लेखा जोखा रखता है।
देश में सबसे ज्यादा बलात्कार के मुकदमे अगर किसी एक प्रदेश में दर्ज हुए वो राजस्थान में दर्ज हुए। राजस्थान को बलात्कार की राजधानी बनाने का पाप इस राजस्थान की सरकार ने किया। छोटी बच्चियों के साथ नाबालिग बालिकाओं के साथ में दरिंदगी, उन नर पिशाचों को भी बख्शने का काम क्योंकि यह सरकार करती है, इसके चलते आज राजस्थान में सबसे ज्यादा छोटी बालिकाओं के विरुद्ध जो है अपराध होता है। सबसे ज्यादा गैंगरेप की घटना अगर कहीं होती है, ये भारत जोड़ने के लिए निकले हुए राहुल गांधी जी, ये और प्रियंका गांधी, जब उत्तर प्रदेश में एक घटना होती है सरकार कार्रवाई करती है, लेकिन नौटंकी करने के लिए उत्तर प्रदेश में पैदल जाते हैं, मोटरसाइकिल के पीछे भी बैठ करके जाते हैं। और जब अलवर की बेटी के साथ में बलात्कार होता है तब वो सरिस्का में टाइगर्स देख रहे होते हैं, चीते देख रहे होते हैं, शेर वो जो है बाघ देख रहे होते हैं, लेकिन राजस्थान की बेटी का आंख पहुंचने के लिए नहीं जाते, आंसू पहुंचने के लिए नहीं जाते। जिस तरह राजस्थान को बदनाम करने का काम इन्होंने किया, और उससे भी ज्यादा हम उस पाप को भी शायद माफ कर देते, लेकिन सरकार की मिलीभगत तब दिखाई देती है मित्रों जब विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के राजस्थान सरकार का सबसे उम्रदराज मंत्री, राजस्थान सरकार का सबसे सीनियर मंत्री, राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा मंत्री, राजस्थान सरकार के मुखिया अशोक गहलोत जी का सबसे करीबी मंत्री कोटा का शांति धारीवाल विधानसभा के पटल पर यह कहता है कि राजस्थान में बलात्कार इसलिए होते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है और कांग्रेस के एमएलए खड़े होकर के ताली बजाते हैं। राजस्थान जिसके मर्दों की पहचान किससे थी? राजस्थान के मर्दों की पहचान महाराणा प्रताप के शौर्य से थी, दुर्गादास के अप्रतिम साहस से थी, बप्पा रावल से थी, महाराणा सांगा से थी, पृथ्वीराज चौहान से थी, महाराणा सोनगरा से थी, राव सुल्तान से थी, ऐसे ऐसे योद्धाओं से थी जिन्होंने अपनी पीढ़ियों को इस सनातन संस्कृति के मान बिंदुओं की रक्षा के लिए कुर्बान कर दिया। एक एक महिला के इज्जत के लिए अपनी तीन तीन पीढ़ियां कुर्बान करने वाले महाराव शेखा जी और उनके वंशजों से राजस्थान की पहचान थी, राजस्थान की मर्दानगी की पहचान उससे थी। राजस्थान के मर्दों और वर्तमान पीढ़ी के राजस्थान के मर्दों, जितने लोग यहां बैठे हैं उन सब के मुंह पर कालिक पोतने का काम इस अशोक गहलोत सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री ने किया, और वो आज भी मंत्री बना हुआ है। वो इसलिए मंत्री बना हुआ है कि जिस दिन गहलोत साहब की कुर्सी हिल रही थी तब तो अपने घर पे दाल बाटी जमा करके इस्तीफे लिखवा रहा है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते जिसने राजस्थान के युवाओं का और महिलाओं का अपमान स्वीकार किया है, उस अपमान का बदला लेने के लिए हम जन आक्रोश यात्रा करते। जिस तरह की परिस्थितियां राजस्थान में, बिजली के बिल नहीं बढ़ाए, पिछले दरवाजे से बिजली के बिल बढ़ रहे। मैं एक दिन अभी जोधपुर में एक सभा कर रहा था, बहुत सारी माताएं बहने वहां बैठी थी, रात का समय था। मैंने कहा कि भाई बिजली आवे कि नहीं आवे, लट्टू जले कि नहीं जले। तो वहां एक वृद्ध माता जी बैठे थे, कोई 80 बरस की उम्र के होंगे, कि मैम पी साहब मारे एक बात क्या नहीं भाई, मैं क्यों मां सा नहारो दे उबा करो मां सा उबा होया। मन कह साहब आजकल लट्टू में तो करंट आवे को नहीं, बिजली का बिल में करंट आवे। हबीर बोले के करंट बिल आवे। जिस तरह से पिछले दरवाजे से बिल बढ़ाए गए, जिस तरह से कटौतियां प्रारंभ की गई, मैं अभी सिरोही में बात कर रहा था, जावाल में मुझे सिरोही के माननीय सांसद ने और वहां के जिलाध्यक्ष ने बताया कि वहां सिरोही में रात को बिजली आने के चलते दो लोगों को सुअर ने मार दिया है, जंगली सुअरों ने हमला करके मार दिया, एक लोग को रीछ ने मार दिया, एक व्यक्ति को रीछ ने मार दिया। राजस्थान में बिजली का कुप्रबंधन जिस तरह से हुआ, कोयले में जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार किया मित्रों, उसके चलते आज राजस्थान बिजली की तरफ से कंगाल हो गया है, क्योंकि इनको दोहरा फायदा होता है। पहले तो कोयला खरीदने में, कोयले की सप्लाई में गड़बड़ करते हैं, उसमें भ्रष्टाचार करते हैं, और उसके बाद में जब बिजली की कमी पड़ती है तब महंगी दर पे बिजली खरीद करके उसमें भ्रष्टाचार कर अपनी मलाई काटने के चक्कर में, अपनी जेब भरने के चक्कर में राजस्थान के किसान को इस सर्दी की रात में रात भर जागने के लिए मजबूर करने वाले इस राजस्थान की सरकार के खिलाफ जनाक्रोश को संकलित करने के लिए हम यात्रा करें। मित्रों, जिस तरह से राजस्थान आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब राजस्थान में मोदी जी के ऊपर सरकार और नीचे भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार थी, जितनी योजनाएं भारत में बनी, चाहे वो शौचालय बनाने की योजना होगी, चाहे वो घर बनाने की योजना होगी, बिजली की बात अभी जोगेश्वर जी कर रहे थे, बिजली लगाने की दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना होगी,
जितनी भी योजनाएं होगी, मैं सारी योजनाओं के विस्तार से अगर बात करूं तो पहले एक दिन जोगेश्वर से हटे जागरण और आगरण पर और जागरण वे नहीं ऑपरेटिव वे जागरण किनो किनो वे जागरण माता जीरो वे भूमिया जीरो भी वे और की वीर भाव जीरो वे और किनो किनो वे हनुमान जीरो महादेव जीरो वे जागरण वे आप करा एक तो भजनी बुलावा दो तीन भजनी बुलाना पड़े महेंद्र जी एक हारमोनियम वालों पेटी बाजा वालों बुलाना पड़े एक ढोलक वालों बुलाना पड़े एक वो तबला वालों बुलाना पड़े एक मंजीरा बजाने वाला दो तीन बुलाना पड़े दो तीन हुंकारिया हाथ है आवे एक वो मोटो बाजो और वे भी कहीं क्या मंडा नहीं हो टन 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 बाजो कहीं क्या नहीं केसी हो एक मुकेशी हो मंडा नहीं एक वो दो डंडिया वालों भी वह टन 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 भी ने भी बजा पैर इतना रास फावट लावे थे जागरण जागरण शाम रहा भजनी शुरू करे गजानंद जी रो भजन गावे बे तीन भजन सुने उनने बाद में रात रहा उन्होंने जागरण में कौन बैठे कुमार नारायण सर जरा घरे ऊंग नहीं आवे नहीं वे उठे बैठे बाकी सब घरे जा सो रहे वे एक नहीं वे बताओ फिर राम धर्म बताओ आज वे मैं एक बात जिम्मेदारी से कहता हूं जोगेश्वर जी एक दिन आप राजस्थान जो आपके इस जालौर की धरती पर इसराइल की धरती पर एक जागरण करना भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार की योजनाओं के बारे में मैं यहां आऊंगा रात को 9 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे सूरज उगेगा तब तक जागरण करूंगा अकेला एक माइक की जरूरत है इसके अलावा कुछ आवश्यकता नहीं है न पेटी बाजा चाहिए न तबला चाहिए न ढोलक चाहिए न मंजीरा चाहिए न हुंकारा चाहिए और एक बात गारंटी के साथ मैं कहता हूं मेरा कोई अभिमान नहीं है उसमें 8 साल से 80 साल तक की उम्र का जो आदमी यहां आ जाएगा वो घर नहीं जा पाएगा आंख भी नहीं झपका पाएगा क्योंकि हमने उनके लिए काम किया उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम किया लेकिन इस भ्रष्टाचारी सरकार ने क्या किया अभी जोगेश्वर जी बात कर रहे थे दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना जब 2014 में जोधपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर के भेजा राजा भारत का यान मंगल ग्रह पर पहुंचा 2014 में मंगल ग्रह पर पहुंचा था लोकसभा का सत्र चल रहा था लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय सुमित्रा जी ने जब देश कोई बड़ी घटना होती है बड़ी प्रगति होती है कोई बड़ा अचीवमेंट होता है कोई देश के लिए सम्मान का विषय होता है दर्द का विषय होता है लोकसभा में विधानसभाओं में परंपरा होती है कि उस पर 15-20 मिनट तक सब लोग अपनी बात कर उन्होंने अवसर दिया सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात कर रहे थे कुछ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बधाई दे रहे थे कांग्रेस के लोग उसमें भी राजनीति कर रहे थे कि तो हमने शुरू किया था मिशन अब पूरा हुआ है मुझे भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद होने के नाते युवा सांसद होने के नाते बोलने का अवसर मिला मैंने उस दिन लोकसभा के पटल पर खड़े होकर के कहा था कि अब अभिनंदन है कि हम मंगल ग्रह तक पहुंच गए मैंने कहा कि आने वाला समय आएगा जिस तरह से हम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं कि हम शायद इससे आगे इसका जो है चांद पर भी पहुंच जाएंगे उससे आगे भी किसी ग्रह पर पहुंच जाएंगे धरती को वहां जीवन भी खोज लेंगे लेकिन आज भी इस 21वीं शताब्दी में मेरे बच्चों को लालटेन की रोशनी में पढ़ना पड़ता है मोबाइल के बैटरी चार्ज कराने के लिए ट्रैक्टर वाले को 5 रुपए देने पड़ते हैं दूर डाड़ियों में बैठे हुए लोग उनके घर बिजली नहीं है प्रधानमंत्री बैठे थे मैंने अपनी बात 3-4 मिनट में खत्म कर दी 3 दिन बाद में मुझे लोकसभा में क्योंकि उस दिन शुक्रवार था सोमवार को मुझे लोकसभा में पहुंचा तो कहा कि मोदी जी ने बुलाया वो भूल गया पहले तो मैं कहीं बात करी उन्हें तो भूल गया मैं क्या मैंने प्रधानमंत्री बुलाया मैं थोड़ा भी आई मैं डरते डरते गया प्रधानमंत्री जी के सामने बैठा मैंने पूछा वो उन्होंने पूछा और कैसे हो मैं ठीक हूँ सर तो कि तुमने वो कहा कि बिजली नहीं है क्या है कारण मेरे का साहब धानियों में रोग रहते हैं दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं जो राज्य सरकारों की अभी योजनाएं आने वाली एक पीढ़ी में भी हमारे घर में कनेक्शन नहीं आएगा अभी एक पीढ़ी और अंधेरे में रहना पड़ेगा मैं अभिनंदन करना चाहता हूं आज यहां खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री का उन्होंने योजना बनाई 1000 दिन में देश के हर घर तक जो है बिजली पहुंचाए 4 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचे एक एक पंचायत में आपके यहां इतनी छितराई भी आबादी नहीं है मैं जैसलमेर जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं जोधपुर का प्रतिनिधित्व करता हूं एक एक पंचायत में 4000 खंभे लगा करके बिजली पहुंचाने का काम किया लेकिन 2018 में जब दोबारा सर्वे हुआ सर्वे के बाद में कुछ छूट गई डाड़ियां ऐसे समाचार आए हमने वापस लिख करके दिया कार्यक्रम आगे बढ़ा लेकिन सरकार बदलते ही अशोक गहलोत सरकार ने दिल्ली की सरकार को लिख करके भेज दिया कि राजस्थान में 100% काम पूरा हो गया अब हमको और पैसे की जरूरत नहीं हजारों डाड़ियां बच गई थी हमने फिर आवाज उठाई हमने जाकर के ऊर्जा मंत्री को बात की आदरणीय आर के सिंह साहब को
क्योंकि स्कीम बंद हो गई थी। आदरणीय निर्मला जी को बात की, कैबिनेट में मैंने इस विषय को रखा और अभिनंदन करता हूं एक बार फिर, देश के प्रधानमंत्री ने वापस रिओरियंट किया, राजस्थान की सरकार को 1600 करोड़ रुपए दिए। लेकिन दुर्भाग्य दुर्भाग्य शायद हमारा मां जाया भाई है कि हमने ऐसी सरकार चुन दी थी, उसमें 6 महीने का टाइम था, ये टेंडर नहीं कर पाए और वो 1600 करोड़ लैप्स हो गए और उन्होंने दोबारा लिख दिया कि अब हमको जरूरत नहीं। आज लोग अंधेरे में बैठे और वो जो लोग अंधेरे में बैठने का अभिशाप भोग रहे हैं, उनका आक्रोश इकट्ठा करने के लिए हम ये जन आक्रोश यात्रा कर रहे हैं। हर एक योजना में राजस्थान एक नंबर पर था, हर एक योजना में राजस्थान पहले या दूसरे नंबर पर हुआ करता था। आज राजस्थान में इस भ्रष्टाचारी सरकार के कुराज के चलते, अपनी कुर्सी बचाने को प्राथमिकता देने के चलते, आज राजस्थान देश की सरकार की योजना के इंप्लीमेंटेशन में सबसे पिछड़ गया। अभी जोगेश्वर जी बात कर रहे थे आयुष्मान भारत की, 6 महीने तक आयुष्मान भारत लागू नहीं हुआ, 6 महीने तक किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू नहीं हुई। राजस्थान के 75 लाख किसानों का 6000 रुपए का नुकसान हर किसान का इस अशोक गहलोत सरकार की ही केवल और केवल राजनीति के कारण से नहीं हो पाया, क्या नुकसान हुआ? 75 लाख को 4000 से गुणा कर लो, कितने करोड़ रुपए होते। राजस्थान के किसान का नुकसान किया, राजस्थान के लोगों का नुकसान किया, जिस तरह से योजनाओं को बंद किया। आयुष्मान भारत की योजना, अगर आयुष्मान का कार्ड आपके पास में होता है, आप अगर अपनी बीमारी के लिए, आज भी हमको अहमदाबाद जाना पड़ता है किडनी का इलाज कराने के लिए, नडियाद जाना पड़ता है, राजस्थान के अस्पतालों पर, सरकारी अस्पतालों पर भरोसा नहीं है, हम दिल्ली अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में जाते हैं। अगर हमारे पास में आयुष्मान कार्ड होता है, हिंदुस्तान के किसी भी अस्पताल में जाकर के इलाज करा सकते हैं 5 लाख का। ये चिरंजीवी का खोखा हमको पकड़ा दिया, ये चिरंजीवी का खोखा सिर्फ इसलिए कि आपका इलाज कहीं मोदी जी की योजना से हो गया तो मोदी जी की भावना आपके मन में आ गई। और ज्यादा विस्तार से बात नहीं करूंगा, मैं एक एक योजना की चर्चा कर सकता हूं। मैं जल जीवन मिशन की बात करना चाहता हूं। अभी मुझे पुलिंदे कागज दिए कि जल जीवन मिशन धीरे चल रहा है। जब सुबह जोधपुर से रवाना हुआ था, पाली से लेकर के सिरोही तक और सिरोही से लेकर के जवाल तक और जवाल से लेकर के बाकरा तक और बाकरा से लेकर के सायला तक 50 जगह रोक करके मुझे कागज दिया कि जल जीवन मिशन का काम नहीं हो रहा। जल जीवन मिशन जब योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित की तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर घर तक